आज क्लास हम बात करने वाले हैं टेलीस्कोप के बारे में। तो कौन से टेलीस्कोप? ऐसी टेलीस्कोप जो लेवलिंग वर्क के अंतर्गत हमारी डंपी लेवल जैसे इंस्ट्रूमेंटों में लगी होती है, तो वो टेलीस्कोप हमारी कितने प्रकार की होती है और साथ के साथ उस टेलीस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ऐसे सभी पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए भी है क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी लेवलिंग वर्क में टेलीस्कोप से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट लेंस के, डायफ्राम के, आईपीस के और साथ के साथ इंटरनल फोकसिंग टाइप के जैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप चाहे असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, तो आपको ये लेक्चर विदाउट स्किप करें पूरा कंप्लीट देखना चाहिए क्योंकि निश्चित है इस बात का कि अगर टॉपिक से टेलीस्कोप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहां पर आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं टेलीस्कोप टॉपिक पर। तो टेलीस्कोप हमारी कितने प्रकार की होती है? जनरली हमारी दो टाइप की टेलीस्कोप हम जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उनमें हम यूज करते हैं। सबसे पहली इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप और दूसरी हमारी एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। यानी यहां पर देखें आप, मैंने लिखा हुआ है टेलीस्कोप और टेलीस्कोप हमारे कितने प्रकार के? इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप और एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। तो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप और एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में क्या अंतर है? आज के इस लेक्चर में सिर्फ बात करेंगे हम इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप के बारे में। तो ऐसी टेलीस्कोप जो क्या करे, जिसका फोकसिंग स्क्रू चलाने पर उसके उसकी जो लेंथ है, यानी अगर हम यहां पर आप देखें इसमें हमारा क्या है, ये अलग अलग पार्ट्स लगे हुए यहां पर, ये हमारा फोकसिंग स्क्रू है। हम जानते होंगे, हमने देखा होगा जब डंपी लेवल यूज किया होगा तो साइड में एक फोकसिंग स्क्रू रहता है, तो स्क्रू को जब हम चलाते हैं तो ऐसी टेलीस्कोप जिसका फोकसिंग स्क्रू चलाने पर उस टेलीस्कोप की लंबाई में कोई चेंजिंग ना आए, यानी जितनी लेंथ है उसकी टोटल लंबाई है उतनी ही लंबाई रहे, तो उसके अंदर जब फोकसिंग स्क्रू चलाते जाएं हम फिर भी उसकी लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। क्योंकि उसकी लंबाई में चेंजिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसकी फोकसिंग करने के लिए एक इस टेलीस्कोप के अंदर भी एक छोटी सी दूरबीन रहती है जो आगे पीछे हमारी चलती रहती है, तो ये हमारी टेलीस्कोप जो वो कहलाती है हमारी इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। दूसरी आती है एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, तो उसे वो कौन सी होती है? एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप ऐसी टेलीस्कोप है जिसका फोकसिंग स्क्रू चलाने पर हमारी टेलीस्कोप की लंबाई इस तरह से लंबाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी, यानी उसके अंदर हमारी एक टेलीस्कोप के साथ दूसरी टेलीस्कोप क्या करती रहती है, आगे पीछे मूव करती रहती है, तो उस टेलीस्कोप को हम कहते हैं एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसमें हम बात करने वाले हैं इंटरनल टेलीस्कोप के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूरा एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। इस डायग्राम में इस सिरे पर जहाँ सर्वेयर अपनी आंख द्वारा देखता है, तो सबसे पहला हमें जो पार्ट नजर आता है उसे हम कहते हैं आईपीस। क्या कहते हैं? आईपीस। तो इसका पूरा जो नाम है वो है रैम्सडन आईपीस, इसे हम कहते हैं रैम्सडन आईपीस। अब रैम्सडन आईपीस किस तरीके से बनाया जाता है और इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने एक लेंस ये लगाया हुआ और एक लेंस ये लगाया, तो इसके अंदर याद रखेंगे जो रैम्सडन आईपीस है, तो रैम्सडन आईपीस कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर हम डबल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं और इनको कितनी दूरी पर रखा जाता है, एक दूसरे से 66.6% दूरी पर रखा जाता है ऑफ एफ, यानी फोकल लेंथ के 66.6 डिस्टेंस पर हम इसको रखते हैं। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो सेट करने की डिस्टेंस होती है वो 2/3 एफ डिस्टेंस पर इन्हें हमें सेट करना होता है, और हमें इस प्रकार सेट करना होता है कि इसके प्लेन सरफेसेस अलग रहें, आउटर साइड में रहें, और कर्वेचर सरफेस एक दूसरे की ओर रहे। यानी कि जैसा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कलर के लेंस लगे हुए हैं ये हमारे डबल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और इनको कुछ कर्वेचर अंदर की तरफ, कर्वेचर यानी आप आमने सामने इनके कर्वेचर रहते हैं, इस प्रकार इस आईपीस को सेट किया जाता है और ये आईपीस हमारी कहलाती है रैम्सडन आईपीस, हम इसे कहते हैं। रैम्सडन आईपीस का यूज क्या है, या फिर हम ये कहें कि आईपीस का यूज क्या है, तो हम ये कहेंगे फॉक्सिंग द, यानी हम एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स के अंतर्गत जब हमें डायफ्राम क्लियरली नहीं चमकता है, यानी कि डायफ्राम को क्लियरली विजुअल देखने के लिए हम इस आईपीस का यूज करते हैं, इस आईपीस को चलाते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के लिए। यानी अगर हम इस मशीन में से देखें और हमें देखने पर जो प्लस हेयर, जो हमारा प्लस के प्लस टाइप में जो हमारा डायफ्राम बना हुआ रहता है, जो हमारे हेयर्स बने रहते हैं, ये हेयर अगर हमें क्लियरली विजुअल नहीं होते तो उस केस में हम चलाते हैं आईपीस को। तो आईपीस का यूज क्या है, आप जितने भी मैं यहां पर पॉइंट्स बोल रहा हूं आपको
नोट करते जाना साथ के साथ। तो यानी हम क्या पर लिखेंगे कि आईपीएस का यूज हम करते हैं अगर डायफ्राम क्लियरली विजिबल नहीं है, डायफ्राम पर जो हेयर बने हुए हैं, स्टेडियम वायर बने हुए हैं, अगर वो क्लियरली विजिबल नहीं होते तो उस केस में हमें जरूरत है आईपीएस चलाने की। तो आईपीएस का यूज होता है फोकस द डायफ्राम, डायफ्राम को फोकस करने के लिए, डायफ्राम को क्लियर विजिबल देखने के लिए हम आईपीएस का यूज करते हैं। तो आईपीएस में हमारा एक तो लेंस वाली बात हो गई, दूसरा हमारा डिस्टेंस हो गया, और इसको क्या नाम, किस नाम से जानते हैं और इसका यूज क्या है। अब चलते हैं आगे डायफ्राम पर, यानी हम देखते हैं कि आईपीएस के जस्ट आगे वाला जो हिस्सा है, देखिए यहां पर ये पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कंपटीशन में कि बताइए कि डायफ्राम की लोकेशन कहां है, क्या ये लोकेशन हमारी ऑब्जेक्ट लेंस और आईपीएस के बीच में है, तो हम नहीं कहेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये हमारा नियर बाय आई रहता है, आईपीएस के पास रहता है हमारा डायफ्राम, और डायफ्राम हमारा कुछ इस शेप में रहता है। यानी आप देख रहे हैं यहां पर, देखें जो छोटा सा हिस्सा आपको ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, इस पार्ट को मैंने यहां पर दिखाया है, और जब हम इस तरीके से देखते हैं तो हमें कुछ ये शेप नजर आती है डायफ्राम की। अब इस डायफ्राम में हमारे कई प्रकार के वायर हैं, तो देखिए जरा टोटल हॉरिजॉन्टल कितनी बार है यहां पर, पहला नंबर वायर, दूसरा वायर और तीसरा नंबर वायर, यानी टोटल हमारे 3 हॉरिजॉन्टल हेयर हो गए इसके अंदर, टोटल 3 हॉरिजॉन्टल हेयर, 3 हॉरिजॉन्टल हेयर हो गए, और साथ के साथ में हमारा एक वर्टिकल हेयर हो गया, ये कौन सा हेयर हमारा, 1 वर्टिकल हेयर। अब इस वर्टिकल हेयर का क्या यूज है, देखिए वर्टिकल हेयर का यूज पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ वर्टिकल हेयर इन टेलीस्कोप, तो वर्टिकल हेयर का जो हमारा यूज है वो होता है टू चेक द वर्टिकलिटी ऑफ स्टाफ, यानी स्टाफ को पूरी तरह से ये देखने के लिए स्टाफ सीधा खड़ा है या नहीं खड़ा है, यानी जहां स्टाफ खड़ा है तो उसके बिल्कुल मिडिल में हमारा इस तरीके से ये हेयर हमारा, ये सपोज कि स्टाफ है तो स्टाफ के जस्ट मिडिल में ये हमारा हेयर रहना चाहिए, अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो ये हेयर भी कहीं ना कहीं हमारा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, तो उस केस में हम समझ जाएंगे स्टाफ हमारा सीधी वर्टिकल कंडीशन में नहीं है, जब जो कि होना जरूरी है, स्टाफ सीधे रखा रहना चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे वर्टिकल हेयर का यूज क्या है, कि स्टाफ की सिधाई की जांच करने के लिए, स्टाफ ठीक वर्टिकल खड़ा है या नहीं खड़ा है उसके चेक करने के लिए हम यूज करते हैं वर्टिकल हेयर डायफ्राम का। दूसरा बात आता है हमारा, ये आपको नोट करते जाना साथ के साथ, दूसरा हमारा है कि हॉरिजॉन्टल हेयर, हॉरिजॉन्टल हेयर का क्या यूज है, जब हम टेलीस्कोप के अंदर जब रीडिंग, जब हम देख रहे हैं तो टेलीस्कोप में से हम सामने रखा हुआ स्टाफ देखते हैं, तो स्टाफ पर हमें रीडिंग दिखाई देती है लेवलिंग वर्क के अंतर्गत, तो जो रीडिंग हम पढ़ते हैं वो रीडिंग पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें एक इंडिकेटर होना चाहिए, तो रीडिंग पढ़ने के लिए कौन सा इंडिकेटर होता है, ये हॉरिजॉन्टल हेयर, यानी क्रॉस हेयर का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये हमारा पूरा प्लस का निशान क्रॉस हेयर है, और इस क्रॉस हेयर का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये वाला, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं टू मेजर द रीडिंग, यानी जो हॉरिजॉन्टल वाला ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये हमारा काम आता है टू मेजर द रीडिंग, यानी रीडिंग को पढ़ने के लिए, टू रीड द रीडिंग या टू मेजर द रीडिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं, टू मेजर द रीडिंग यानी कि रीडिंग को नापने के लिए, रीडिंग को पढ़ने के लिए हम, यानी स्टाफ पर जो बाइसेक्शन हुआ है रीडिंग का उसको पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल हेयर, वर्टिकल हेयर का स्टाफ का सीधाई में जांच करने के लिए स्टाफ सीधा खड़ा है नहीं खड़ा है। अब बात आती है कि ये जो ग्रीन वायर लगे हुए हैं यहां पर, मैंने देखिए जो ग्रीन वायर लगा रखा है ये क्या काम करते हैं, ये हमारे काम करते हैं कि जब भी हमें, हमारे पास फीता अवेलेबल नहीं है और हम लेवलिंग वर्क कर रहे हैं और हमें किसी भी मशीन से लेकर स्टाफ तक की डिस्टेंस पता करनी है, सपोज कीजिए ये हमारी मशीन और ये हमारा स्टाफ लगा हुआ है, इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करनी है, उस केस में हम क्या करते हैं, इन जो स्टेडिया वायर है, यानी एक ऊपर वाला जो हेयर है इसे हम कहते हैं अपर स्टेडिया, इसे कहा जाता है अपर स्टेडिया, और दूसरा हमारा है नीचे वाला पार्ट लोअर स्टेडिया, ये इसे क्या कहते हैं हम, लोअर स्टेडिया। तो अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया की रीडिंग हम इसका जो इंटरसेप्ट, जो इसका सामने स्टाफ पर हम पढ़ते हैं रीडिंग, अपर स्टेडिया की पढ़ते हैं और लोअर स्टेडिया की पढ़ते हैं, तो इन रीडिंगों की मदद से हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं डी इक्वल टू के अपॉन आई इन टू एस बरा प्लस एफ प्लस डी, तो इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई कांस्टेंट, और इसे हम कहते हैं एडिटिव कांस्टेंट, इस पूरे हिस्से को कहते हैं एडिटिव कांस्टेंट, एफ प्लस डी को, तो ये हमारा है एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट। तो एक हमारा हो गया इसके अंदर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, दूसरा हमारा है एडिटिव कांस्टेंट, और ये पूरा हमारा पार्ट एफ प्लस डी होता है एडिटिव कांस्टेंट, और ये हमारा है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की इंटरनल टेलीस्कोप के केस में, यानी एडिटिव कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है के अपॉन आई की वैल्यू होती है 100, क्यों होती है अभी आगे वाले लेंस से बताऊंगा। दूसरा हमारा है एफ प्लस डी, एफ प्लस डी जो हमारा एडिटिव कांस्टेंट है
उसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है जीरो। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि d इक्वल टू होता है हमारा 100 इंटू एस। जब इस वैल्यू को रख दिया जाएगा तो यानी 100 इसका वैल्यू रख देंगे और ये जीरो है तो इसको हो जाएगा हमारा आंसर 100 इंटू एस। तो देखिए टोटल जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी 100 इंटू एस। अब एस क्या है हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑन स्टाफ, यानी जो अपर स्टीडिया की रीडिंग और लोअर स्टीडिया की रीडिंग है उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एस मिल जाएगा। तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगी। कहां पर हमें ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी मशीन से स्टाफ की दूरी हमारी क्या है उसके बीच में हम पता कर सकते हैं किसके द्वारा स्टेडिया वायर के द्वारा। तो स्टेडिया वायर का यूज हो गया टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। दूसरा वर्टिकल हेयर का यूज है वर्टिकलिटी चेक करने के लिए स्टाफ सीधा खड़ा है नहीं खड़ा है। हॉरिजॉन्टल हेयर का यूज है क्रॉस हेयर जहां पर हमारा कट करेगा स्टाफ पर वो रीडिंग पढ़ेंगे वो एग्जैक्ट रीडिंग होगी जिससे की मदद से हम रेडियस लेवल निकालेंगे। तो उसके बाद हमारा ये पूछ लेगा कि टोटल इसमें वायर कितने हैं। तो टोटल वायर कितने होते हैं चार वायर, एक वर्टिकल और तीन हमारे हॉरिजॉन्टल वायर हो गए इसमें। तो ये था हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम कहां लगा हुआ रहता है, डायफ्राम हमारा नियर बाई आईपीस के साथ रहता है। अब हम चलते हैं आगे इंटरनल फॉक्सिंग। देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल टेलीस्कोप यानी इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप है जिसका फॉक्सिंग स्क्रू से चलाने पर बाहर वाला जो फॉक्सिंग से चलाते हैं तो इस टेलीस्कोप की लंबाई बढ़ती या घटती नहीं है, वो कांस्टेंट रहती है इतनी। तो आखिर कांस्टेंट रह रही है तो फिर फॉक्सिंग कैसे हो रही है। तो फॉक्सिंग होने के लिए इसके अंदर एक हमारी फॉक्सिंग टेलीस्कोप लगी रहती है अंदर। तो वो जो फॉक्सिंग टेलीस्कोप है इंटरनल फॉक्सिंग किसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से। आप देखें यहाँ पर एक फॉक्सिंग स्क्रू है, इस पार्ट को हमने जूम करके यहाँ पर आपको दिखाया है, ये हमारा फॉक्सिंग स्क्रू और ये इसके अंदर लेंस लगा हुआ है। तो इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप के अंतर्गत एक हमारी बिल्कुल छोटी सी एक नली इसके अंदर और रहती है, एक छोटी सी ट्यूब इसके अंदर और रहती है और वो क्या करती है इस टारगेट की यानी ऑब्जेक्ट लेंस की फॉक्सिंग करवाती है। तो ऑब्जेक्ट लेंस की फॉक्सिंग का मतलब क्या है, देखिए जब हम आईपीस की फॉक्सिंग कब कर रहे थे कि जब हमें डायफ्राम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था यानी डायफ्राम जब हम आईपीस को चलाते हैं तो हम कब चलाते हैं, या आईपीस तब चलाया जाएगा इस तरीके से जब हमें ये डायफ्राम यानी प्लस का जो वायर है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो सामने रखा हुआ स्टाफ है अगर वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा तो उस केस में हम क्या करेंगे फॉक्सिंग स्क्रू चलाया जाएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि आईपीस चलाया जाता है डायफ्राम को क्लियर करने के लिए और फॉक्सिंग स्क्रू चलाया जाता है स्टाफ को देखने के लिए क्लियरली, यानी जो टारगेट है जो ऑब्जेक्ट लेंस के सामने जो स्टाफ रखा हुआ है उसको पूरी तरह से क्लियर देखने के लिए हम यूज करते हैं क्या इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप। इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप यूज करते हैं कब, जब हमें क्या डायफ्राम इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप हम कब यूज करेंगे, जब हमें क्या करना होगा जब हमें टारगेट की जो फॉक्सिंग हमें करनी होगी तब हम यूज करते हैं इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप में इस फॉक्सिंग स्क्रू का। तो फॉक्सिंग स्क्रू जब हम चला देंगे तब क्या होगा, देखिए यहां पर जो हमारा लेंस है वो होता है डबल कॉनकेव लेंस यहां लगा रहता है। अब ये लेंस कब चलता है, तो देखिए हमें सपोज कीजिए हम लेवलिंग वर्क कर रहे हैं और लेवलिंग वर्क करते हैं हमें प्लस का हेयर दिखाई नहीं दे रहा था तो आपने आईपीस चला लिया, लेकिन अगर सामने रखा हुआ स्टाफ नहीं दिखाई दे रहा है तब आप चलाएंगे फॉक्सिंग स्क्रू। जैसे आप फॉक्सिंग स्क्रू चलाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर एक रैक एंड पिनियन की इस प्रकार अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन का इस प्रकार अरेंजमेंट, जैसे हम फॉक्सिंग स्क्रू चलाएंगे इस स्क्रू को चलाने पर क्या होगा ये कुछ आगे पीछे हमारे अंदर से टेलीस्कोप इस तरीके से हमारी चलने लगेगी जब हम फॉक्सिंग स्क्रू चलाएंगे। तो जैसे ही फॉक्सिंग स्क्रू घुमाया जाएगा ये लेंस हमारा आगे पीछे मूव करेगा और इस प्रकार जब तक हम मूव कराते रहेंगे इसके अंदर जब तक मैं सामने रखा हुआ स्टाफ में क्लियरली विजुअल नहीं हो जाता। तो स्टाफ को यानी कि टारगेट को यानी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से विजुअल करने के लिए देखने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनल फॉक्सिंग का यूज करते हैं जिसमें हम फॉक्सिंग स्क्रू को चलाते हैं और फॉक्सिंग जब चलाएंगे तो वो कनेक्ट होता है इस लेंस से और ये कनेक्ट हमारे लेंस चलता रहता है। तो ये हो गया हमारे डबल कॉनकेव लेंस होता है जिसकी वजह से इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप में फॉक्सिंग की क्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट लेंस। अब ऑब्जेक्ट लेंस हमारा किस किस कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, देखिए ऑब्जेक्ट लेंस में हमारा आप देख रहे हैं कई प्रकार के, एक ब्लू कलर का लेंस है, एक रेड कलर का लेंस है। तो जो रेड कलर का लेंस है ये हमारा है डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये है डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और ये किससे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है हमारा क्राउन ग्लास से, क्राउन ग्लास। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं क्राउन ग्लास से। दूसरा जो हमारा ये पीछे वाला जो लेंस आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये हमारा होता है कॉनवेक्सो कॉनकेव, कॉनवेक्सो कॉनकेव लेंस। और ये लेंस हम बनाते हैं फ्लिंट ग्लास से, ये फ्लिंट ग्लास से बनाया जाता है और फ्लिंट ग्लास से दोनों को जोड़ा जाता है किससे, कनाडा बालसम से जोड़कर हम इनको बनाते हैं, कनाडा बालसम से जोड़कर हम इन दोनों को बनाते हैं।
यानी कनाडा बालसम कॉनकेव लेंस क्राउन ग्लास से बना हुआ है। ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन है इस ऑब्जेक्ट लेंस का। और ये किससे बना हुआ है? कनाडा बालसम से इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ते हैं? रंग जो हमारा वर्ण विपतन होता है उसको रोकने के लिए कई प्रकार के लेंस आपस में जोड़ के बनाए जाते हैं। जितनी बातें स्टूडेंट्स में बोल रहा हूँ आप नोट्स बना बना के लिखते जाए जरूर जाइएगा, ताकि आपको ये याद भी हो जाएगा और आपको ये अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। तो ये हमारा है क्राउन ग्लास, ये फ्रंट ग्लास, ये और ये हमारा आगे वाला जो लेंस है वो है डबल कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमारा कॉन्वेक्स टू कॉन्वेक्स। तो इतने सारे लेंसों को संयोजन करके हमारी बनाई जाती है टेलीस्कोप। तो ये हमारे टेलीस्कोप के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स, जिनका यूज हम करते हैं मशीन के इस टेलीस्कोप के अंतर्गत। ऊपर आती है बबल ट्यूब के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर पूरा बना चुका हूं मैं। आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेवलिंग के बहुत सारे लेक्चर हैं। हम ये कहते हैं कि जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं या जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप हमारे सर्वे के लेक्चर देख लेंगे तो मैं नहीं समझता कि सर्वे के लेक्चर हमारे देखने के बाद आपको क्वेश्चन करने की भी जरूरत पड़ेगी या फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो पूरी चैनल की प्लेलिस्ट आप जाकर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर वहाँ पर बनाए हुए हैं। सारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारे लेक्चर रेडी हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।